पठान विवाद के बीच आया पीएम मोदी का बड़ा बयान, जाने क्या कहा फिल्म को लेकर। शाहरुख खान की फिल्म 25 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन गुजरात में बजरंगदल वाले इस फिल्म को थिएटर्स में ना रिलीज कर देने की कसम खाई है और इस फिल्म का वो काफी विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं को सलाह दी है कि वह फिल्मों पर बेवजह की बयानबाजी से बचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 16-17 जनवरी को दिल्ली में आयोजित हुई भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कुछ फिल्मों पर बयानबाजी कर रहे हैं जो कि मीडिया पर पूरे दिन चलाए गए। पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं के बेवजह की बयानबाजी से बचने की सलाह दी। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब देश में शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल पठान के एक गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी खड़ा हुआ था और कई भाजपा नेताओं ने इसे बैन करने की भी मांगे की थी और इसमें भाजपा के नेता नरोत्तम मिश्रा भी शामिल थे। लेकिन अब पीएम मोदी के इस बयान के बाद तो यही कहा जा सकता है कि पीएम का यह बयान इनडायरेक्टली पठान को सपोर्ट कर रहा है। वैसे दोस्तों बता दें कि फिल्म पठान की एडवांस बुकिंग भारत में कई जगहों पर शुरू की जा चुकी है और एडवांस बुकिंग शुरू होते ही कई थिएटर्स हाउसफुल हो गए हैं। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उम्मीद है कि फिल्म ओपनिंग डे पर काफी अच्छा कलेक्शन करेगी। वैसे बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आए हैं, वहीं जॉन अब्राहम इस फिल्म में विलन के किरदार में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपका क्या कहना है पीएम मोदी के इस बयान को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारी चैनल साउथ जगत को सब्सक्राइब करें।